नमस्कार दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आदरणीय खड़गे साहब और हम सब आपके बीच में आए हैं। 24 जुलाई 2017 को कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और प्रधानमंत्री का वो वाक्य जो अब जुमला बन गया है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, उसकी व्यापक चर्चा यहाँ की और बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी श्री वेंकैया नायडू को लेकर चार प्रश्न सार्वजनिक पटल पर रखे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और वेंकैया नायडू जी से ये अनुरोध किया कि सार्वजनिक जवाबदेही के पक्ष में इन सवालों का निराकरण और जवाब प्रधानमंत्री जी, बीजेपी अध्यक्ष और आदरणीय नायडू जी दें। 48 घंटे बीत गए हैं, हमेशा की तरह एक बार फिर इस प्रकार के जब तथ्य और कागजात सार्वजनिक पटल पर आते हैं तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, श्री वेंकैया नायडू ने एक संक्षिप्त बयान दिया और उनके पक्ष में तेलंगाना की सरकार ने भी एक संक्षिप्त बयान दिया, पर उससे जवाब कम और सवाल ज़्यादा खड़े होते हैं और इसीलिए चार प्रश्न फिर हम पूछना चाहेंगे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय नायडू जी से। तेलंगाना की सरकार ने अब ये मान लिया कि मिस दीपा वेंकट, जो नायडू साहब की पुत्री हैं, उनकी ट्रस्ट जिसका नाम है स्वर्ण भारत ट्रस्ट, उसको 2,46,00,000 रुपए की एग्जम्पशंस, डेवलपमेंट चार्जेस, लैंड यूज चार्जेस और बाकी के सब जो चार्जेस हैं सरकारी, उनसे दी गई। आदरणीय नायडू जी का ये कहना है कि अगर मेरी पुत्री की ट्रस्ट को सरकार का 2,46,00,000 रुपया छोड़ा गया तो 16 और ट्रस्ट को भी छोड़ दिया गया, ये उनका जवाब है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या नायडू साहब, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी और तेलंगाना की सरकार बताएगी कि सैकड़ों और इस प्रकार की ट्रस्ट जिन्होंने सरकार को अप्लाई किया है उनको 2,46,00,000 या करोड़ों रुपए की छूट क्यों नहीं दी गई? ये विशेष ट्रीटमेंट श्री वेंकैया नायडू जी की पुत्री की ट्रस्ट को क्यों दिया जा रहा है और वो कौन सी पॉलिसी है, वो कौन सी नीति है, वो कौन से मापदंड हैं, क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत श्री वेंकैया नायडू जी की पुत्री की ट्रस्ट को सरकारी पैसे की 2,46,00,000 की माफी दे दी गई? और इतना ही नहीं, अब एक और विषय सामने आया है इसी ट्रस्ट से जुड़ा कि स्वर्ण भारत ट्रस्ट को और बहुत सारी ट्रस्ट के साथ FCRA वॉयलेशन का नोटिस इसी सरकार ने दिया है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 की वॉयलेशन का नोटिस दिया है। तो क्या बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि एक ऐसी ट्रस्ट जिसको FCRA की जांच जिसके खिलाफ हो रही है उसको इस प्रकार स्टैट्यूटरी चार्जेस की माफी देना सही और वाजिब है? दूसरा सवाल, तेलंगाना सरकार ने अब यह भी मान लिया कि हर्षा टोयोटा, जो नायडू जी के पुत्र की कंपनी है हैदराबाद स्थित, उससे बगैर टेंडर के 350 टोयोटा गाड़ियां खरीदी गई और उसकी उन्होंने रक्षात्मक डिफेंस ये दी है कि हर्षा टोयोटा से DGSND रेट के मुताबिक खरीदी गई और बाकी 350 गाड़ियों के लिए टेंडर इशू किया गया और वो टेंडर एक दूसरी कंपनी राधा कृष्ण मोटर्स को मिला। तो सवाल बड़ा सीधा है क्योंकि अब तथ्य मान लिए गए हैं
दोनों ही लॉट्स ऑफ व्हीकल 350 ये और 350 ये, जब दोनों टोयोटा की गाड़ी हैं, एक टेंडर से और एक बगैर टेंडर के क्यों खरीदी गई? टेंडर कंडीशंस को क्यों वॉयलेट किया गया जब हर्षा टोयोटा जो नायडू जी के बेटे की कंपनी है उसके लिए? और ना सरकार ना नायडू जी ने यह बताया कि हर्षा टोयोटा ने तेलंगाना सरकार को किस भाव में गाड़ियां बेची, और दूसरा डीलर जो टेंडर से आया राधाकृष्ण मोटर, उसने किस रेट पे दी? क्या हर्षा टोयोटा द्वारा दी गई गाड़ियों की कीमत राधाकृष्ण मोटर्स के द्वारा दी गई गाड़ियों की कीमत से अधिक तो नहीं थी? तो सीधा घालमेल साबित हो जाएगा, पर इस तथ्यों को बताने से तेलंगाना सरकार और नायडू जी दोनों बच रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? तीसरा सवाल, आदरणीय नायडू जी ने यह कहा कि 20 एकड़ जमीन जिसकी कीमत शायद 500 करोड़ रुपए से अधिक है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में कुशुभाऊ ठाकरे मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया, उन्होंने कहा मैं तो चेयरमैन था पर यह तो बीजेपी की ट्रस्ट है इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते चेयरमैन था, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, बीजेपी की जिम्मेवारी है, उसका मतलब यही हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उस ट्रस्ट और अलॉटमेंट के बारे में, मैं 7 लाइनें पढ़कर बताता हूं। पैरा 32 में उन्होंने कहा, वी मे ऐड दैट देयर कैन नॉट बी एनी पॉलिसी मच लेस ए रैशनल पॉलिसी ऑफ अलॉटिंग लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस मेड बाय इंडिविजुअल्स बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस डी होर्स an invitation or advertisement by the state or its agency slash instrumentality. Any allotment of land or grant of other form of largesse by the state or its agency slash instrumentality by treating the exercise as a private venture is liable to be treated as arbitrary, discriminatory and an act of favoritism. और उससे आगे फिर वो बीजेपी और वहां की सरकार के बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। पैरा 36, द फैक्ट रिमेन्स दैट ऑल इट्स ट्रस्टीज, एंड आई री एम्फेसाइज, ऑल इट्स ट्रस्टीज आर मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी, इन दिस केस द बीजेपी, एंड द एंटायर एक्सरसाइज फॉर द रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड वेवर ऑफ मेजर पोर्शंस ऑफ द प्रीमियम वॉज अंडरटेकन बिकॉज political functionaries of the state wanted to favor respond number 5, that is the trust of the BJP, and the officers of the state at different levels were forced to toe the line of their political masters. If Naidu ji is not responsible, then BJP is obviously responsible. Then it's time that Modi ji and Amit Shah ji came forward an answer to the nation about these stinging strictures against a trust of which BJP national president was the chairperson. And our fourth question that still lies unanswered, Venkaiah Naidu ji ko 4.95 acre zameen Andhra Pradesh mein jo poor aur destitute ke liye thi wo allot hui, ye sachai hai, wo ye kehte hain ki ye zameen unhone wapis de di virodh ke baad, पर क्या आप गरीबों के लिए या भूमिहीन की जमीन को हड़प सकते हैं? और अगर आपने पहले गलती की फिर मान ली फिर जमीन वापस दे दी तो क्या इससे आपके व्यवहार को लेकर कोई कल्पेबिलिटी साबित नहीं होती? एक अंग्रेजी की कहावत है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। इट्स टाइम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री अमित शाह एंड श्री वेंकैया नायडू आंसर्ड दीज क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ हाइडिंग बिहाइंड प्लैटिट्यूड्स। वी विल टेक क्वेश्चंस, बट श्री आवर लीडर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी विल लाइक टू फर्स्ट स्पीक टू यू ऑन अनदर इश्यू। कैन यू गिव द प्रेस रिलीज नाउ? ओके सर, दिस इज द स्टेटमेंट। सभी को मेरा नमस्कार। आज
मैं आपके सामने दो चीज़ें रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि सदन में सभी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स मिलके जो देश में आज अल्पसंख्यक दलितों पे, महिलाओं पे, कमजोर वर्गों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है और खास करके मॉब जो इन गरीबों की हत्या कर रही है, तो इसके बारे में हम रूल 56 और 57 के तहत एडजर्नमेंट मोशन सदन में दिए थे। लेकिन सदन में रूल्स के मुताबिक ही हम ये मोशन देने के बाद इसको बार बार ठुकराया गया और ये कहा गया कि ये रूल्स के मुताबिक नहीं है। तो रूल्स के मुताबिक अगर नहीं है तो रूल 56 क्या कहता है देखना चाहिए। रूल तो है, उसको रूल को सस्पेंड यानी उस रूल के तहत हमको इजाजत देना नहीं देना ये उनके हाथ में है। इसीलिए तो हम बार बार उठ के उनसे ये कहते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको परमिशन दीजिए, ये बड़ा महत्व का मुद्दा है और सारे देश में इस मुद्दे पे चर्चा भी हो रही है, हर पेपर में, हर टीवी में आप देखते होंगे डिबेट हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी एडिटोरियल आ रहे हैं, स्पेशल आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर इस सदन में जो 125 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे जगह पे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो इसीलिए तो वो एडजर्नमेंट मोशन का प्रोविजन है। अगर वो प्रोविजन ही अगर नहीं होता तो हम ये सदन में डालने का क्वेश्चन ही नहीं रहता था। लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में। इसी ढंग से एक तरफ सरकार और स्पीकर ने भी हमको ये कहा, और दूसरी चीज, हम चर्चा के लिए किसी भी फॉर्म में तैयार थे। अगर आप इमीडिएटली क्वेश्चन आवर के बाद भी उनको डिस्क्रिशन है, जैसा कि डिस्क्रिशन उन्होंने आठ रूल 374A इस्तेमाल किया और हमारे 6 मेंबर्स को निलंबित किया गया। ये रूल तो आपने अप्लाई किया, लेकिन उसके लिए सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? वो तो सारे जनता के लिए है। देश में माइनॉरिटीज की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, और जो चुपचाप कानून के मुताबिक जो ये खाने के लिए कुछ ले जाते हैं, तो उसके लिए बीप बोलो, मीट बोलो, कुछ भी, उनको क्या मालूम है, खींच खींच के मार रहे तो बाद में देखते हैं। तो ये जो जा रहे हैं, इन लोगों को आप तो एक तरफ मार रहे हैं और उनकी बात जब हम उठाते हैं तो उसको परमिशन नहीं मिलता, और जो मेंबर उसी पर असली चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो उनको आज सस्पेंड किया गया है। आज ये तीसरा दिन है, ये तीसरा दिन है। इतना बड़ा पनिशमेंट किसी वक्त भी नहीं हुआ। हालांकि अनुराग ठाकुर वहां वीडियो निकाल रहे थे, उनको माफ किया जाता है,
वार्निंग दिया जाता है और जो लोग इस देश के गरीब जनता की बात उठाते हैं और उनके वॉइस को दबाने की कोशिश अगर सरकार करती है, ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है और ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की बात यहाँ हो रही है और ऐसे डिक्टेटरशिप को हम नहीं डरने वाले हैं। लेकिन हमारे मेंबर को डराने की भी अगर कोशिश कोई करता है तो उसको भी हम सहन नहीं करेंगे। और ये दोहरी चाल जो है, एक तरफ एक मेंबर को माफ़ करना, दूसरे मेंबर जो जनता के इश्यू को उठाते हैं उनको दबाना, उनके वॉइस को, उनके आवाज़ को दबाना, ये बुरी बात है। तो जनता के आवाज़ को उठाने वालों को 6 दिन का पनिशमेंट और वीडियो निकाल कर जो प्रचार करते हैं, संसद किसी पार्टी का अंदर आता है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें हर पार्टी के लोग थे, टीएमसी थे, कांग्रेस के थे, सीपीएम के थे, आरजेडी के थे, जेडीयू के थे, समाजवादी पार्टी के थे, सभी जेडीएस के थे, सब पार्टी के लोग मिलके किए और उनका वीडियो निकाल कर आप लोगों को बताना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इसको इमीडिएटली रिवोक करें। और अनुराग ठाकुर जो हाउस में किए उसके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए। और दूसरी चीज, यही चीज मान ने किया, भगवत मान आउटसाइड द हाउस, उसको तो 3 सेशन का दे दिया। यानी ये क्या है, कौन से यार्ड स्टिक्स है, ये डेमोक्रेसी के कौन सा तरीका है चलाने का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरकार अब दूसरी और एक मैं अपनी अपना संकट बोलिए या अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सरकार, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलिए या उनके बीजेपी के लोग, अगर कोई उठ के बात करते हैं तो उनको ज़्यादा समय मिलता है। और जब हम उन गलत चीज़ों को रिपोर्ट करना चाहते हैं, इधर कोई हमको उसके बारे में रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ये जो सरकार प्रेशराइज कर रही है और सरकार जो वहाँ पर हाउस में ऐसा सारी चीज़ें दबाव में एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से हाउस को चलाने का तरीका दिखा रही है, तो इससे हम सहमत नहीं हैं और ऐसी चीज़ें करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम ये पूछेंगे कि हाँ, ये 4 सवाल आपके सामने रखूंगा, क्योंकि और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जब कभी भी ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज सदन में होते हैं तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट सो मोटो। आज जैसा कि सुषमा स्वराज जी ने सो मोटो स्टेटमेंट दिया, कोई डिमांड नहीं किए थे, जब प्राइम मिनिस्टर इस पर चुप्पी साधते हैं, 3 बार गोरक्षक के बारे में आउटसाइड द हाउस बोलते हैं, रैली में बोलते हैं, अपने भाषणों में बोलते हैं, लेकिन हाउस में नहीं बोलते, सदन में। ये लोकतंत्र का वो तो, ही रिप्रेजेंट्स द हाउस, ही इज अ लीडर ऑफ द हाउस। अगर लीडर ऑफ द हाउस मेंबर्स को अगर नहीं बताएंगे तो कहाँ बताएंगे। और बाहर बताना है तो शाह है ना, उनके शाह साहब वो बताएंगे। आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, वी ऑल एक्सेप्ट यू लीडर, लेकिन आप हाउस में नहीं बता रहे। तो ये बात समझ में नहीं आती कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो काम करना चाहते हैं या नहीं। और डेमोक्रेसी में तो हाउस लीडर हमेशा मुसीबत के वक्त अपना स्टेटमेंट देता है, मनमोहन सिंह जी देते थे, इसके पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर है कहीं ना कहीं रूप से अपना स्टेटमेंट देते थे, लेकिन आज वो स्टेटमेंट्स
एक भी स्टेटमेंट हाउस में आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि 10-5 मिनट के लिए कभी अपना सूरत दिखाते हैं, उठ के चले जाते हैं जैसा कि कोई पीछे लगा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं हाउस में, तो ये क्या डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की बात है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इसके पीछे हम देखा, मैं तो कम से कम 9 साल से यहाँ हूँ और 8.5 साल से कम से कम हूँ, और वहाँ मैं 38 साल से असेंबली में था, मेरा 46th ईयर रनिंग एज ए लेजिस्लेटर। मैं नहीं देखा ऐसा और सुना भी नहीं कि ऐसा होता है। तो एक तरफ ये है, और चार जो मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चार प्रश्न है। एक है, वाई आर पीएम मोदी एंड रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट रनिंग अवे फ्रॉम डिबेट डिस्कशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट। वो लिंचिंग का हो, किसानों का हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी का हो, चाहे वो आज इंडिया चाइना भूटान का समस्या। और दूसरा प्रश्न है मेरा, वाई शुड कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन मेंबर्स बी डिनाइड द राइट टू रेज इश्यूज ऑफ नेशनल कंसर्न्स। तीसरा मेरा सवाल है, इज इट नॉट द डिक्टेटोरियल एंड फैसिस्ट अप्रोच ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट एन एंथम टू द फंक्शनिंग ऑफ एनाथेमा टू द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये तो मैं पहले हिंदी में कहा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं। चौथी, वाई आर टू यार्ड स्टिक्स बींग अप्लाइड, वन फॉर बीजेपी मेंबर श्री अनुराग ठाकुर एंड अनदर फॉर द 6 सस्पेंडेड कांग्रेस मेंबर एंड ऑल्सो अर्लियर मेंबर हु आर सस्पेंडेड बाय अदर पार्टी आप पार्टी। तो ये चीज़ें रियली इट इज मेकिंग अस टू थिंक अबाउट दिस गवर्नमेंट, दिस वेदर दिस गवर्नमेंट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इवन बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर कोई गलती भी करता है तो स्पीकर उनको समझा सकते हैं या एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं या उनको उनके बात कहने के लिए समय दिया जाता है, जैसा कि मान के केस में हुआ, उनको तो समय दिया गया, पूछा गया, बुलाया गया, लेकिन यहाँ किसी को भी बुलाया नहीं गया, पूछा भी नहीं गया, क्योंकि सरकार का प्रेशर इतना था उनके ऊपर कि इमीडिएटली आते ही सस्पेंड हो सक जाए, ये कहाँ की बात। तो इसीलिए ये सरकार की जो डबल स्टैंडर्ड है, एक मेंबर को एक और दूसरे मेंबर को दूसरा, और दोहरी नीति है, इसका हम खंडन करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।